और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए हमेशा पार्टी संघर्ष के लिए हमारी पार्टी पूरी तरह से आरक्षण की पक्षधर है और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। जेडीयू पिछले कई दिनों से भीम चौपाल लगा रही है। इस भीम चौपाल के जरिए दलितों में ये मैसेज दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने दलितों के लिए कितने काम किए, उनके आरक्षण के लिए बाकायदा काम किया, उनके लिए एक आयोग बनाया। लगातार जेडीयू नेता जिनमें मंत्री तक शामिल हैं वो दलितों को जाकर समझा रहे हैं। इसी दरमियान आज भीम चौपाल के दौरान अशोक चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे माननीय नेता ने बाकायदा पिछड़ों से पिछड़ों के लिए काफ़ी काम किया, आरक्षण दिलाया, एक आयोग भी बनवाया, लेकिन कुछ लोग हैं जो भीमराव अम्बेडकर का नाम लेकर लोगों को ठगते हैं, आरक्षण को लेकर भी कई उलपटांग बात कहते रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने हमेशा आरक्षण को लेकर बात कही है और हमारे माननीय नेता दलितों के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। पहले सुनिए अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, फिर इसके आगे बात करते हैं। जो सामाजिक मुद्दे रहे हैं या जो अति पिछड़े की महिलाओं की और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए हमेशा पार्टी संघर्ष करती रही है, इन साल दो साल के अंदर ये देखा गया है साल भर के अंदर कि बहुत से राजनीतिक दल के लोग और बहुत से वैसे लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा में विश्वास नहीं रखते हैं, वैसे लोगों का आगे बगाहे कहीं ना कहीं बयानबाजी आता रहता है आरक्षण को लेकर। इसीलिए हमारी पार्टी पूरी तरह से आरक्षण की पक्षधर है और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। और इसीलिए माननीय नेता ने इन 17 वर्षों में न सिर्फ विभाग का निर्माण किया बल्कि उस विभाग में बजट का भी प्रावधान किया है। इसीलिए इस पूरे समाज को पूरी तरह से संगठित रह करके ऐसे किसी भी कुचक्र के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठता है उसके लिए संघर्ष के लिए अपने साथियों को तैयार रहने का आह्वान। तो कुल मिलाकर भीम चौपाल के जरिए जेडीयू अपने पक्ष में दलित वोटों को अपने पाले में करना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि सामने चिराग पासवान है और चिराग पासवान का जो दलित वोट बैंक है वो जो है अपने तरफ जेडीयू करना चाहती है। पासवान को छोड़कर जो भी अनदर दलित जातियां हैं उनके मन में ये बिठाना चाहती है भीम चौपाल के जरिए जेडीयू कि वाकई में दलितों के लिए किसने उत्थान का काम किया तो वो नीतीश कुमार ने किया है। ये कुल मिलाकर जो है दलितों के वोट बैंक पर कब्जा जमाने को लेकर है। 14 अप्रैल को बाकायदा भीम अम्बेडकर जयंती मनाई जाएगी और उस दिन खुद नीतीश कुमार इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और बिहार के दलितों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो भीमराव अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी हैं। आप देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।